खबर जिला बरेली के नवाबगंज से, जहां आज किसान पदयात्रा को लेकर बरेली के पूर्व मंत्री भगवत शरण गंगवार, समाजवादी जिला अध्यक्ष अगम कुमार मौर्य को नवाबगंज में किसान पदयात्रा के नेतृत्व करने निकले तो बैरियर 2 पर गिरफ्तार कर नजरबंद कर दिया गया। वहीं नवाबगंज में पदयात्रा निकलने से पहले ही नवाबगंज पुलिस ने सफाइयों की धरपकड़ चालू कर दी। कई दर्जन सफाइयों को हरदुआ कॉलेज के पास बने A2Z कॉलेज में अस्थायी जेल बनाकर नजरबंद किया गया, जिसमें समाजवादी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष अनिल गंगवार, पूर्व ब्लॉक प्रमुख तेज प्रकाश गंगवार, भतपुरा ब्लॉक प्रमुख पुरुषोत्तम गंगवार, सेथल चेयरमैन कंबर एजाज सानू, जिला पंचायत सदस्य नीलम गंगवार समेत सैकड़ों समाजवादी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर अस्थायी जेल में रखा गया, जहां समाजवादी पार्टी की किसान रैली को रोकने के लिए भारी पुलिस बल समेत PAC को तैनात किया गया। वहीं शाम 5 बजे CO प्रभात कुमार वर्मा तथा कोतवाल धनंजय सिंह ने आला अफसरों से इजाजत लेकर सफाइयों को रिहा कर दिया। चेयरमैन साहब कहाँ लिया जा रहा है, ले जाया जा रहा है आपको? क्या पता कहाँ चले भाई, जेल चले भाई, जेल चले। अब देखिए घर कहाँ आए, लोकतंत्र का गला घोटने का काम है, कहाँ ले जाते हैं हमें, जेल में डालते हैं या फिर कहीं जंगल में जाके छोड़ते हैं। सरकार क्या कर सकती है आप? आज आपको नजरबंद किया गया, कितने लोग आप? हम आज सैकड़ों की संख्या में, कम से कम 250 लोग उठे और हम सब लोगों को मंडी गेट पे आना चाह रहे थे, तो रास्ते में पुलिस बल के द्वारा बसों में व्यवस्था बैठाला गया, कुछ लोगों को भगा दिया गया, जो गाड़ियां वहां थी वहीं की छोड़वा दी गई, कुछ लोगों को हमने थाने बैठाला गया और हम लोगों को ला करके ये आज तक गेट में लोगों को बैठा दिया। अब आपको पता नहीं, ये हमें एक दिन रखे हैं, दो दिन रखे हैं, काउंटर करवाओगे क्या कर रहे हैं? कुछ शिकायत हुआ है, अब ये प्रदर्शन कर सकते हैं तो हमें दो दिन रख सकते हैं। और अब ये सब आज जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को जमीनी नजरबंद करके थाने उठा के लाने का जो काम किया जा रहा है, ये बिल्कुल अंग्रेजी हुकूमत की याद दिलाता है। लोकतंत्र को गला घोटने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता माननीय राज्य अखिलेश यादव जी के जो निर्देश मिला, उसी निर्देश पर हम लोग किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए आए, हम लोग सड़कों से निकल रहे थे उनका हक मांगने के लिए, लेकिन लोकतंत्र का गला घोटने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया और हमारे साथ हमारे पार्टी के नवाबों के तमाम नेताओं को कहीं नजरबंद कर दिया गया या फिर जैसी घर से निकले सबको गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसा है कि शासन और प्रशासन सबका फेलियर है, बेवकूफ़ लोग शासन कर रहे हैं और बेवकूफ़ लोगों से ये काम ले रहे हैं। कभी कहते हैं 20 लाख करोड़ का हमने पैकेज किसानों को दिया है, किसानों के हाथ में तो कुछ आया नहीं 20 लाख करोड़ में, और ये अभी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि हमने 90,000 करोड़ रुपए किसानों को दे दिया, उसमें भी कभी 1,000 रुपये आते हैं, कभी 2,000 आते हैं और 50% किसानों के हाथों में अभी तक जो सम्मान निधि कहते थे उसमें से कोई पैसा नहीं आया, मुश्किल से 50% लोगों के आया और वो भी एक दो किस्त आई, बाकी आई नहीं है। तो ये सरकार फेल हो गई, इसमें सब बेवकूफ़ लोग बैठे हुए हैं, इन्हें ये पता नहीं है कि कैसे करके शासन चलेगा, कैसे करके किसान को लाभ मिलेगा। तो अगर
हमें एक दिन के लिए हमसे राय ली जाए। अब ये चैलेंज करते हैं कि हम कभी भी रेट को अप डाउन नहीं होने देंगे और कभी भी किसान जो 1100 में आज धान तुलवा रहा है और सरकार को 1868 रुपए देना पड़ रहे हैं, 1888 रुपए देना पड़ रहे हैं और किसान को 1100 रुपए, ये ब्लैक मनी जनरेट हो रही है। आप समझे कि 700 रुपए कुंटल की ब्लैक मनी जनरेट हो गई। अब ये कम से कम जो बैठेगी 2-3 लाख करोड़, ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये न खातों में है, न जेबों में है, न कहीं है, सब विदेश में। जो मोदी जी कहते थे कि हम न खाएंगे न खाने देंगे, तो जो 1100 और 1868 के बीच का रुपया कौन खा रहा है, ये कौन बताएगा? देखिए, सब किसानों की और गरीबों की मजदूरों की आवाज़ खाने का नतीजा है जो पुलिस मशीनरी द्वारा हमें घर से उठाकर लाया गया और थाने में बिठा दिया गया है। गरीब की और किसान की आवाज़ बुलंद करने का इनाम दे रही है ये भारतीय जनता पार्टी, और ये पुलिस भी जान रही है अच्छे से, क्योंकि अभी हाल ही में हुए MSC कांटा के चुनाव में झांसी में SP सिटी को भी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मारपीट की। जब पुलिस सुरक्षित नहीं है तो यहाँ जनता कैसे?